तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के एक नए अपडेट के बारे में और एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली बीटा यूज़र के रोल आउट कर दिया गया है। ये वाला फीचर मुझे लगता है बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का ये वाला फीचर है। तो ये फीचर क्या है, कैसे अपन इसको यूज़ करेंगे और कहाँ ये मिलने वाला है, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर ले। चाहे आप नॉर्मल यूज़र हो या बीटा यूज़र हो, फिर भी अपने व्हाट्सअप को आपको हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए। तो दोस्तों के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी किसी भी चैट पर चले जाना है या फिर कहीं भी आपको जो भी मैसेज को फॉरवर्ड करना हो। तो ये जो नया फैसेज ये है या नया फीचर ये है कि अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं तो अब आपको एक यहाँ पर ग्रुप का आइकन मिल जाएगा, आप न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये नया फीचर यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है कि आप यहाँ पर एक नया ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया फीचर दे दिया गया है कि आप फॉरवर्ड करते टाइम भी एक नया ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, फॉरवर्ड पे मैसेज पे क्लिक करना है। फॉरवर्ड मैसेज करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जितनों को भी मैसेज करना है या जो जो ग्रुप बनाना है आपको उन ग्रुप को ऐड कर लेना है। कैसे, लाइक मैं बताऊं, जैसे मैंने दो लोगों को ऐड कर लिया और डायरेक्ट आ गया हूं, तो आप यहां पर डायरेक्टली फॉरवर्ड टू न्यू ग्रुप करके एक नया मैसेज आपको यहां पर, नया अपडेट यहां पर मिल गया होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फीचर आपको दिखेगा, फॉरवर्ड टू न्यू ग्रुप करके आपको यहां पर डायरेक्टली बनाने को बोल देगा। आपको जो भी ग्रुप का नाम लिखना है, अपने ग्रुप का नाम लिखा, उसमें डिस्क्रिपेंसी मतलब ये डिसअपीयरिंग मैसेज वाला क्या चाहिए, यहाँ पर आपको फोटो क्या चाहिए और अपने परिचय में आपने देख लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो फॉरवर्ड हो जाएगा जो भी चीज़ आपने फॉरवर्ड करी है। तो नया अपडेट यही है कि आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हुए ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमें किसी नए ग्रुप में, आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे लोगों को करना है जो अलग अलग ग्रुप में या फिर जो कोई ग्रुप में है ही, तो हमने मान लो हमने कहीं घूमने गए, हमने कहीं घूमने की फ़ोटो ली, तो आप अलग अलग करके भेजेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो आपने सबको सिलेक्ट करा, फॉरवर्ड पे गए और आपने एक ही बार में एक नया ग्रुप क्रिएट करा और सबको सेंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से वाला फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड टू न्यू ग्रुप। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू, और हो सके तो